64 करोड़ के जीई रोड उन्नयन की धीमी गति पर वोरा की दो टूक 12 करोड़ के जेई रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य पर नाराजगी उन्होंने दिखाई। 64 करोड़ की लागत से जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी गति से ट्विन सिटी के नागरिक परेशान हैं। पिछले 1.5 साल से ये काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। मालवी चौक पर भिलाई की ओर जाने वाली सड़क ब्लॉक करने के कारण यातायात में नागरिकों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों करीब 8 महीने तक इस मार्ग को बंद रखने के बाद 3 महीने पहले रोड पर आवागमन शुरू किया गया। इसके बाद इस मार्ग को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। शहर की सबसे ज़्यादा आवागमन वाले मार्ग का आधा हिस्सा ब्लॉक करने से मालवी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बार यहां एक्सीडेंट की नौबत भी आ जाती है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी अफसरों को महीनों से परेशान हाल आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं होते दिखा गया। रोड के करीब आधा किलोमीटर हिस्से पर यातायात बंद होने से रोड की दूसरी साइड पर दोनों ओर की ट्रैफिक व्यवस्था का भार आ गया है। इसके कारण भिलाई और दुर्ग से आने जाने वाले नागरिकों को यातायात में समस्या होती देखी जा रही है। इस चौक से रेलवे स्टेशन, पटेल चौक, जेल मार्ग और भिलाई की ओर सड़कों पर हमेशा हैवी ट्रैफिक होता है। इसके बाद भी यहां रोड के उन्नयन का कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने पीडब्ल्यूडी अफसरों को सख्त निर्देश दिए। वोरा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए.के. श्रीवास से कहा कि रोड के चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जाना है। वोरा ने साफ कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लेट लतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वोरा ने कहा कि अफसरों से समयबद्ध काम की रिपोर्टिंग ली जाएगी, लेट लतीफी होने पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की लागत से जीई रोड पर प्रकाश व्यवस्था का काम भी शुरू नहीं किया गया है। मेरी माता चौक से डामरीकरण कार्य की शुरुआत करने के बाद विभाग ने ये काम भी बंद कर दिया है। इससे पहले वोरा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ वी.के. भतभरी से भी जीई रोड निर्माण कार्य की धीमी गति की शिकायत की थी। शिकायत के बाद कुछ दिनों तक काम में तेजी रही, लेकिन अब काम में फिर ढिलाई बढ़ती जाती देखी जा रही है। पूरा ने दो टूक चेतावनी अफसरों को दी है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री व दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने अधिकारियों से कहा है। साथ ही साथ जितने जगह गड्ढे हैं उसका भराव किया जाना चाहिए। आयुक्त से मैंने कहा है कि आप ये पूरा एक प्रपोजल बनाएं दुर्ग की सड़कों के बारे में और जाएं, न केवल प्रपोजल बनाएं बल्कि उसका क्रियान्वयन भी करें। पीडब्ल्यूडी के अभी अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि 70 करोड़ का जो रोड बन रहा है, सौंदर्यीकरण, डामरीकरण, यह कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और ये हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। जबकि मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो दुर्भाग्यजनक है। इसका काम बहुत तेजी से चालू होना चाहिए। आग को लेकर मैंने शिकायत तो नहीं की है, लेकिन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जब राशि है, राशि होने के बाद भी काम में ढिलाई क्यों, इस काम को बहुत तेजी से किया जाना चाहिए और बहुत जल्दी लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।